गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछली कक्षा में आप लोगों को पढ़ाए थे कक्षा 12 में वंशगत का आणविक आधार। इस पाठ में मैंने आपको बताया था कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। डीएनए में दो चीजें पाई जाती हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। दोनों के बारे में आपको बताया गया था कि न्यूक्लिक अम्ल किस तरह से आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए में कार्य करता है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। इसमें पाया जाने वाला न्यूक्लिक अम्ल, इसके समर्थन में एक प्रयोग आप लोगों को बताए थे, ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग, जिसमें आपको यस स्टेन और आर स्टेन का चूहे के साथ रिएक्शन करके दिखाए थे, चूहा कब जीवित रहता है कब मर जाता है। लेकिन लास्ट वाले पॉइंट में ग्रिफिथ बहुत ज्यादा कुछ शो नहीं कर पाए, बता नहीं पाए, मतलब कोई ऐसा सर्वमान्य उदाहरण नहीं दे पाए, सिद्धांत नहीं दे पाए जिससे पता चल जाए कि न्यूक्लिक अम्ल ही या डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो आज के टॉपिक में हम आपको ग्रिफिथ की रूपांतर प्रयोग के आगे का बताएंगे। दो वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड डी हार्से और मार्सा चेज। अल्फ्रेड डी हार्से एवं मार्था चेज। मार्था चीज का प्रयोग, बच्चों इस प्रयोग को हार्से एवं चीज का प्रयोग भी कहा जाता है। तो आप लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि हार्से एवं चीज का प्रयोग। बहुत ज्यादा बच्चों एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन ही होता है कि हार्से एवं चीज का प्रयोग के बारे में आप क्या जानते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ है। इससे संबंध में सर्वमान्य नियम, सर्वमान्य सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम अगर आपसे पूछा जाए कि किस वैज्ञानिक ने डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ है इसके संदर्भ में सर्वमान्य सिद्धांत दिया, तो नाम आएगा हार्से एवं चीज का। तो आप लिख सकते हैं कि हार्से एवं चीज ने डीएनए के समर्थन में सर्वमान्य सिद्धांत दिया। कैसा सिद्धांत दिया? सर्वमान्य सिद्धांत दिया। कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वमान्य सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया या डीएनए के संदर्भ में किसके द्वारा दिया गया। हार्से एवं चीज दो वैज्ञानिक थे। तो इन दोनों ने क्या किया बच्चों? इन दोनों ने ई कोलाई और बैक्टीरियोफेज को लिया। इकोलाई और बैक्टीरियोफेज को लेने के बाद इस पर अपना प्रयोग किया और अपने प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। तो इन्होंने दो चीजें लिया, एक तो लिया इन्होंने बैक्टीरियोफेज बच्चों एक विषाणु होता है, वायरस होता है, और दूसरा लिया इन्होंने इकोलाई जिसको हम कहते हैं इस्केरिया कोलाई। शॉर्टकट में इस्केरिया कोलाई को कहा जाता है ई कोलाई और यह एक जीवाणु होता है। तो इन्होंने बैक्टीरियोफेज और इस्केरिया ई कोलाई के बीच में रिएक्शन कराया, अर्थात बैक्टीरियोफेज के जीवन चक्र को ई कोलाई के जीवन चक्र के साथ मिलाया और एक परिणाम देखा, और इस परिणाम को ही कहा जाता है अल्फ्रेड डी हार्से एवं मार्सा चेज का प्रयोग। इसके द्वारा इन्होंने सिद्ध किया कि किस तरह से डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में अर्थात जनक से उसके बच्चों में जाता है। तो बच्चों इसमें क्या किया इन्होंने, इन्होंने डीएनए और प्रोटीन को थोड़ा सा अलग से डिफाइन किया। इस तरह से आप लिख सकते हैं डीएनए और प्रोटीन, दिख रहा है ना, डीएनए और प्रोटीन को इन्होंने लिया। डीएनए के बारे में इन्होंने बताया कि फास्फोरस, डीएनए में पाया जाता है फास्फोरस। क्या पाया जाता है? फास्फोरस। प्रतीक इसका है यस, जबकि इसमें सल्फर इसमें नहीं पाया जाता है। किससे इसको इंडिकेट करते हैं? पी से। नहीं पाया जाता है, आप ये कह सकते कि इसमें सामान्य सल्फर पाया जाता है। कैसे सल्फर पाया जाता है? सामान्य सल्फर पाया जाता है। जबकि
प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है, लेकिन सल्फर इसमें पाया जाता है, लेकिन इसमें जो फास्फोरस होता है यह नहीं पाया जाता है, यह भी कह सकते हैं कि सामान्य नॉर्मल पाया जाता है। ठीक है, फास्फोरस पी से शुरू करेंगे, इसमें नहीं पाया जाता है, अर्थात सामान्य रूप से ही पाया जाता है। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा इन्होंने फास्फोरस से 32 लिया, तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 32 पी फास्फोरस को लिया, सल्फर तो समान है ही डीएनए में, अब प्रोटीन को जब उन्होंने लिया दूसरे मीडियम में तो सल्फर इन्होंने 35 लिया, समस्थानिक लिया। ठीक, क्या लिया इन्होंने, 35 S मतलब सल्फर 35 लिया, 32 होता है लेकिन 35 S लेने मतलब समस्थानिक इन्होंने सल्फर को लिया। अब देखिए इन्होंने क्या किया, ये दो मीडियम लिए, यहां तक फिर समझ लीजिए आप कि हार्सियोम मार्था ने दो, एक विषाणु को लिया एक जीवाणु को लिया, बैक्टीरियोफेज और स्केरिया कोलाई। अगर इसको हम एक चित्र के माध्यम से यहीं पे समझ लें, अगर हम एक जो है यहाँ पर विषाणु का बैक्टीरियोफेज का चित्र बनाएं तो कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पे थोड़ा मिटा दें हम इस चीज को, यहाँ पे थोड़ा सा अभी हम मिटा देते हैं, जगह हो जाए जिससे। अब देखिए आप लोग यहाँ पे इस तरह से इन्होंने लिया डीएनए लिया, यहाँ पे बैक्टीरियोफेज का डीएनए है, और इसको ई कोलाई में, किसमें बच्चों, ई कोलाई में इसको प्रवेश करा दिया, इंटर करा दिया। अब ये जो आप देख रहे हैं यह डीएनए है ई कोलाई का, और ये इसका जो टेल है बैक्टीरियोफेज का जो पूछ है टेल है इसके इससे इसमें प्रवेश करा दिया गया। अब इसका ये डीएनए हो गया, ये डीएनए किसका हो गया, बैक्टीरियोफेज का डीएनए हो गया, और ये हो गया इसका ई कोलाई का डीएनए हो गया। अब आप देखिए ई कोलाई का जो डीएनए है या जब बैक्टीरियोफेज का डीएनए इसमें प्रवेश करता है तो इसके जो संदेश होते हैं बैक्टीरियोफेज के डीएनए के जो संदेश होते हैं वह ई कोलाई के डीएनए के संदेश को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि ई कोलाई का डीएनए बैक्टीरियोफेज के डीएनए के अनुसार कार्य करना शुरू कर देता है, अपने जीवन चक्र को चलाना शुरू कर देता है। अब आइए हम इसमें आगे बढ़ते हैं, डीएनए में फास्फोरस होता है, सल्फर नहीं होता है, अर्थात सल्फर सामान्य होता है। प्रोटीन में सल्फर होता है लेकिन फास्फोरस नहीं होता है, अर्थात फास्फोरस सामान्य होता है। इसके बाद क्या किया हार्सियो मार्सन ने जो दो मीडियम लिया, एक मीडियम में इन्होंने डीएनए को रखा, एक मीडियम में इन्होंने प्रोटीन को रखा। अब दोनों डीएनए दोनों मीडियम को हमको दिखाना है तो इस तरह से एक पात्र में हम दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग एक मीडियम फर्स्ट हो गया है, और ये आप देखिए दूसरा मीडियम है सेकंड। दोनों में बच्चों इन्होंने रखा बैक्टीरियोफेज को रखा, दोनों में बच्चों इन्होंने क्या रखा बैक्टीरियोफेज को रखा, पूरा लिख सकते हैं PHASE, ठीक PHASE बैक्टीरियोफेज को रखा, दोनों में बैक्टीरियोफेज को रखा, और रखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि यह डीएनए वाला है, इसमें डीएनए को रखा गया, इसमें प्रोटीन को रखा गया, इसमें किसे रखा गया प्रोटीन को रखा गया। अब आप देखिए कि पहले वाले मीडियम में बैक्टीरियोफेज के पहले वाले मीडियम में इन्होंने फास्फोरस 32 लिया, क्या लिया फास्फोरस 32 लिया, तो जब इसने अपनी अभिक्रिया शुरू की तो इसने फास्फोरस 32 दिया, क्या किया इसने फास्फोरस 32 दिया, जबकि इसमें दूसरे वाले में इसमें आप देखे प्रोटीन ऊपर भी लिखे थे कि इसमें 35 S सल्फर पाया जाता है। ठीक,
तो 35 एस पाया जाता है। इसने जब अभिक्रिया की तो 35 एस से सल्फर का निर्माण हुआ। तो आप देख लीजिए कि इस डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, जबकि जो सल्फर होता है वह सामान्य होता है। सल्फर क्या होता है? सामान्य होता है। तो इसमें जो बैक्टीरियोफेज नया वाला बनेगा इस तरह से, वह उसमें जो है सल्फर, सॉरी फास्फोरस 32 ही पाए जाएंगे, जबकि सल्फर की मात्रा जो है 32 ही रहेगी, समान ही वो रहेगी। जबकि इसमें आप देख सकते हैं कि सल्फर जो है या सल्फर 35 पाया जा रहा है, समस्थानिक है, 32 होना चाहिए था, और यह जो है फास्फोरस समान है, जबकि सल्फर इसमें समस्थानिक के रूप में दिखाया गया है। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा इसको समराइज करके लिखें इस तरीके से कि ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद आगे अगर हम थोड़ा सा इसको मामला इसका और क्लियर करें, थोड़ा मिटा देते हैं इसको। अब देखिए क्या होगा। अब इसके बाद इन्होंने यहां आप लिख लीजिए बैक्टीरियोफेज, इसको आप नोट्स भी बना लेंगे इसका, बैक्टीरियोफेज यहां पे भी आप लिख सकते हैं बैक्टीरियोफेज। अब आप देखिए इस पहले वाले मीडियम के डीएनए में इसकी मात्रा है 32, फास्फोरस 32 है, जबकि जो प्रोटीन है प्रोटीन में सल्फर की मात्रा भी 32 पाई जा रही है, सामान्य सल्फर इसमें पाया जा रहा है। यहाँ पे अगर हम लिखेंगे, यहाँ पे भी इस तरह से लिख सकते हैं डीएनए और प्रोटीन। अब इस बैक्टीरियोफेज के डीएनए में फास्फोरस समान पाया जाएगा, जबकि इसके प्रोटीन में सल्फर जो है यह 35 होगा। कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, समस्थानिक है, 35 हो जाएगा। इसके बाद आप देखिएगा एक चित्र इसका जो है बनाया जाए इस तरीके से। चिलोर बनाइए यहाँ पे, ठीक, या इकोलाई है या बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरियोफेज है, ठीक, बैक्टीरियोफेज है। अब देखिए इन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे आप देखिए कि इसमें रखा गया है फास्फोरस डीएनए है, इसके फास्फोरस 35, सॉरी फास्फोरस 32 रखा गया। तो जब इस बैक्टीरियोफेज में फास्फोरस 32 था, ठीक, और यह इसका जो डीएनए है इकोलाई के डीएनए के साथ प्रवेश किया, तो इसमें भी फास्फोरस की जो मात्रा थी वो 32 पाई गई। कितनी पाई गई हो? 32 पाई गई। जबकि दूसरे वाले में अगर हम देखें तो इसमें भी जो फास्फोरस को रखा गया, इसमें भी इसकी भी डीएनए में आया, यहाँ इसका इकोलाई का डीएनए पहले से, इसमें जो फास्फोरस था फी यह सामान्य हो गया, अर्थात 32 ही रह गया, जबकि इसमें जो सल्फर की मात्रा थी 35 थी। क्या था इस प्रोटीन में? क्या था? या बैक्टीरियोफेज के 35 थी। तो अगर ये जो प्रोटीन इसमें जब इसका अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि इसमें जो प्रोटीन, इसमें जो सल्फर है वह अनुपस्थित, क्या है वो? अनुपस्थित है। इसके आधार पर हर्षे एवं चेज ने बताया, दोनों का अध्ययन किया, इसका किया और इसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद इन्होंने बताया कि इस बैक्टीरियोफेज के डीएनए में जो फास्फोरस था, जब वह इकोलाई के डीएनए के साथ संपर्क में आया तो वह नया फास्फोरस 32 बना लिया, ठीक।
तो ये हो गया। और दूसरे मीडियम में इन्होंने क्या किया कि जो इसके इस प्रोटीन में सल्फर 35 लिया गया था, और इसके बाद जो है सल्फर 35 लिया गया था, फास्फोरस समान था, तो फास्फोरस तो सामान्य आया ठीक, लेकिन जो सल्फर था जो प्रोटीन के साथ लिया गया था 35वां अनुपस्थित हो गया। मतलब इस जनक, इस बैक्टीरियोफेज के जनक के द्वारा जो संतत नए उत्पन्न हुए, जो नए उत्पाद उत्पन्न हुए, उसमें फास्फोरस, उसमें सल्फर की मात्रा अनुपस्थित पाई गई। इससे यह सिद्ध होता है कि जो फास्फोरस है, जो डीएनए है, यही आनुवंशिक पदार्थ है, प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है। इसलिए इस चीज को सिद्ध करने के कारण हार्शे और मार्था चीज के प्रयोग को सर्वमान प्रयोग के रूप में जाना गया। कई बार एग्जाम में पूछा भी है कि आनुवंशिक या डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसके संबंध में सर्वमान नियम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, तो आपका उत्तर होगा हार्शे एवं चेज के द्वारा। आप लोग पूरा मैटर जो है नोट्स में अपने लिख लेंगे, और इसके बाद चित्र सहित आप बनाए रखेंगे जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाए। थैंक यू।